गाइस, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि आप घर पर ही अपना फेशियल कैसे कर सकते हैं। कोई भी छोटा मोटा फंक्शन आए तो आप अपने आप से खुद से घर पर फेशियल कर सकते हैं। पार्लर जाने का टाइम नहीं है और वैसे भी पार्लर के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो मार्केट में इस तरीके की बहुत तरह की फेशियल किट अवेलेबल हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अरोमा मैजिक की ये फेशियल ब्राइडल फेशियल किट चूज़ की है और मैं देखना चाहती हूँ कि इसका ग्लो ब्राइडल जैसा होता है कि नहीं। तो इसमें आपको 7 स्टेप मिल जाएंगे। इसका जो प्राइस है 190 रुपीज़ है। और ये देखिए, सीरम इसमें आपको कांच की बॉटल में मिलता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है हाउ टू यूज़। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्लींज़र मिलता है और इसमें इस तरीके से क्रीम थी इस तरीके की, और इसको मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया। साथ साथ मैंने इसको सिर्फ, वैसे तो इस पे लिखा हुआ है कि ये सिंगल यूज़ है, बट हमने 3 जनों ने इसको यूज़ किया। और आप स्टेप देख सकते हो, 2-3 स्टेप फॉलो करो और उससे आप अपने फेस, नोज़ और नेक ये सब अच्छे से क्लीन कर सकते हो फेशियल से। तो बस आपको 3-4 स्टेप फॉलो करने होते हैं, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो वीडियो में मैं किस तरीके से स्टेप फॉलो कर रही हूँ। और इस पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है आपको 5 मिनट, 3 मिनट, कितने मिनट इसको यूज़ करना है, तो इस पे लिखा हुआ था और उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको यूज़ किया। देन उसके बाद वाइप आउट कर लिया और इसके सेकेंड स्टेप में था एक्सफोलिएट। और ये जो इस तरीके से जेल थी, इसको अपने पूरे फेस पे एक लेयर की तरह अप्लाई करना था। और उसके 15 मिनट बाद ये सूख गई थी और उसके बाद ड्राई फिंगर से इसको आपने रगड़ना था। तो इस तरीके से आपका फेस एक्सफोलिएट हो जाएगा, मतलब कि आपका स्क्रब हो जाएगा। तो इसमें कुछ वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो देते हैं ना स्क्रब में, वो सब नहीं था। बस इसको एक जेल की तरह अप्लाई करना था, दैट्स इट। तो बढ़ते हैं इसके थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड में था फेशियल ऑयल या फेशियल सीरम, उसको मैंने अप्लाई किया। कांच की बोतल थी, उसको पहले तोड़ा, देन उसके बाद उसमें से निकाला। तो ये सावधानी से करें और इसको 3 मिनट अपने फेस पे रखना था एज इट इज़। और उसके बाद इसी के ऊपर, इसको वाइप आउट नहीं करना था, इसी के ऊपर जो 4th स्टेप इन्होंने दिया हुआ था उसको अप्लाई करना था। तो उसको मैंने अप्लाई किया और वही 3-4 जो स्टेप होते हैं फेशियल के, उसको मैंने इस तरीके से अपने फेस पे मसाज की। और इस तरीके से करने से ना आपका जो फेस का ब्लड सर्कुलेट होता है और अच्छे से मसाज हो जाती है, जो आपके पोर्स में डर्ट वगैरह होती है ना वो निकल जाती है, तो फेस अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्योंकि हम इसमें 5-6 स्टेप करते हैं, तो इस तरीके से करने से ना पूरा फेस क्लीन हो जाता है, पोर्स बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, जो भी हमारी जो डर्ट वगैरह जमी होती है ना उससे बिल्कुल फेस क्लीन हो जाता है। तो ये कर लेना चाहिए 1.5 महीने में एक बार, जब भी आपको टाइम लगे। तो मैं ये रात के समय कर रही हूँ और उसके बाद मैंने वाइप आउट कर लिया। तो अगला जो इसका 5th और 6th स्टेप था, उसमें जो एक में जेल थी एक में क्रीम थी, दोनों को अच्छे से मिक्स करके लगाना था। और इस तरीके से लगाने के बाद 15 मिनट इसको रखना था और सूखने के बाद वाइप आउट करना था। तो इस तरीके से मैंने किया। देन उसके बाद मैंने फेस वॉश की और आप देख सकते हो इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा मिला है। और इसका जो लास्ट का 7th स्टेप था ना, वो था सनस्क्रीन, तो वो मैंने अवॉइड कर दिया क्योंकि ये फेशियल मैं नाइट में कर रही थी। तो उसकी जगह आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें और दैट्स इट। और आप देख सकते हो मुझे इसका मतलब रिज़ल्ट अच्छा मिला। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करें लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।